नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यू किचन में स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे नया रेसिपी बनाएंगे घोंघा। तो घोंघा कहाँ से लाएंगे? आज चौर चलते हैं घोंघा बिछने के लिए। एक डाली ले लेते हैं, एक हंसुआ ले लेते हैं। इसी हंसुआ के सहारा से हम घोंघा निकालेंगे। तो चलते हैं चौर में। दोस्तों, ये खेत उत जोताया गया है। तो जोतल खेत में देखते हैं, इस समय हर जोताया है उस पर घोंघा ऊपर हो गया है। तो घोंघा हम थोड़ा चुन लेते हैं। इसी जोतल खेत में घोंघा रहता है, हम घोंघा बीच लेते हैं। एगो यहीं घोंघा मिला है, एगो यह है घोंघा। जोतल खेत में रहता है तो हमको तो टाइम लगेगा बीचे में, बहुत टाइम लगता है देखने में, खोजने में। माटिए जैसन घोंघा रहता है, पता नहीं चलता है। एगो ये और मिल गया है, दूठो मिल गया है, एगो और मिल गया है, ये समय नहीं है, एगो और मिला है, चार गो तो मिल गया है, एगो और मिल गया है। तो दोस्तों, जोतल खेत में तो टाइम लगता है, क्योंकि घोंघा तो रहा होगा बहुत, तो लेकिन लोग बीच लिया है। तो चलते हैं दूसरे जगह, झूड़ी उड़ी में देखते हैं, गड्ढे उड्ढे में, जंगल उंगल में खोजेंगे। इसी हंसुआ से उकट पुकट करके खोजेंगे, जोतल खेत में नहीं मिला है। तो चलते हैं झूड़ी के पास। दोस्तों, गड्ढे में झूड़ी उड़ी में हम चलते हैं घोंघा बिछने। तो हमारे वीडियो में शुरू से अंत तकला बने रहिएगा ध्यान में। दोस्तों, हम झूड़ी के पास चले आए हैं। इसमें बहुत गड्ढे के किनारे में बहुत खर पतार है, तो इसमें टाइम लगेगा, तो खोजना पड़ेगा। तो हम खोजते हैं। इतना खोजने के बाद एगो घोंघा पता चला है, एगो मिला है। खटखट मारता है, बुझाता है इसमें एगो घोंघा मिल गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत गड्ढा में माटी पकड़ ले रहता है घोंघा। घोंघा के भोजन माटी है, घोंघा माटिए खाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एगो घोंघा खटखट कर रहा है। इन्ने तो न मिला है, लेकिन इस तरह एगो मिल गया है। घोंघा के भोजन माटिए है, माटिए खाता है। घोंघा में बहुत माटी लगा हुआ है। एक डाली बीच लिए हैं, तो हम चलते हैं। बहुत घूमने टहलने के बाद एक डाली घोंघा मिला है, तो चलते हैं घोंघा लेकर के हम किचन के तरफ। हमारे वीडियो में शुरू से अंत तकला बने रहिए। तो चलिए, हम घोंघा खोज लिए हैं, चलते हैं। दोस्तों, हम चौर से घोंघा बीच करके ले आए हैं। एक डाली घोंघा बीच करके लाए हैं, तो इसको अब नीचे रखते हैं। इसमें घोंघा में बहुत माटी लगा हुआ है, तो इसको हम को पहले पानी से बहुत बढ़िया से इसको साफ करना होगा। सारा माटी घोंघा में से निकल जाएगा, उसके बाद हम घोंघा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम घोंघा के धोएंगे पानी से। तो चलिए, हम घोंघा के पानी से धोते हैं।
दोस्तों कल चला करके घोंघा धोएंगे। हमारे गांव में इसी तरह कल रहता है, तो चलिए हम कल चलाना शुरू करते हैं। दोस्तों बिना हाथ लगाए घोंघा नहीं धोआता, हम हाथ से सारा माटी साफ कर लिए हैं, मज करके घोंघा धो लिए हैं, मजे से सारा माटी भर गया है, घोंघा साफ लगता है। तो चलिए चलते हैं किचन के तरफ। दोस्तों तो घोंघा धो करके हम साफ कर करके ले आए हैं, किचन में पहुंच गए हैं, तब घोंघा बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो हम घोंघा ले लेते हैं, ये घोंघा है, तो घोंघा बनाना अब स्टार्ट करते हैं। ये घोंघा के हंसुआ ले लिए हैं, ये सुआ ले लिए हैं, हमारे गांव देहात में इसी हंसुआ और सुआ के सहारा से घोंघा के बुट्टी निकाला जाता है। हम लोग उबाल करके घोंघा नहीं बनाते हैं, हम लोग कच्चे के बनाते हैं, कच्चे घोंघा के बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए हम घोंघा बनाना अब स्टार्ट करते हैं। हम दिखा रहे हैं जो घोंघा किस तरह निकलना जाता है से, इसी तरह हम हंसुआ के सहारा से हम घोंघा के निकाल लेंगे। इसी तरह हम घोंघा के बारी बारी से सभी घोंघा के बुट्टी हम निकाल लेंगे। दोस्तों आप लोग भी घोंघा बनाइएगा तो कभी उबाल करके नहीं बनाइएगा, घोंघा के कच्चे में बनाइएगा, कच्चा घोंघा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों इसी तरह सभी घोंघा हम निकाल लिए हैं, घोंघा बहुत बहुत घोंघा निकल गया है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसी तरह सभी घोंघा हम निकाल करके पूरे रेडी कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे वीडियो देखिएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये सारा घोंघा हम निकाल करके कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें से जो जितना है खाने वाला अलग कर देंगे और जितना रहेगा माटी वाला उसको हम साइड कर देंगे, सभी फ्रेश वाला जो होगा उसको हम निकाल करके साफ कर लेंगे। दोस्तों घोंघा फोड़ करके इसमें से हम बुट्टी निकाल लिए हैं, तो जो खाने वाला पार्ट होता है उसको हम रख लेंगे और इसको हम साइड कर लेंगे, ये नहीं खाता है आदमी, इसको हम साइड कर लेते हैं। दोस्तों ये सब जो है घोंघा, ये बनाने का तरीका है हमारा, जो तरीका से हम बनाते हैं ये तरीका से खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर कभी घोंघा बनाने की कोशिश कीजिएगा तो इसी तरीका से बनाइएगा, उबला हुआ घोंघा नहीं बनाइएगा। दोस्तों इसी तरह सभी घोंघा के हम छटैया कर लिए हैं, दो भाग में हम छांट करके कंप्लीट कर लिए हैं। तो घोंघा के अब पानी से हम साफ कर लेते हैं। पहले इसको नीमक छीट करके खूब नीमक के साथ इसको हाथ से साफ करेंगे, जितना कचरा रहेगा वो नीमक डालने से कट जाएगा। तो धोने के लिए हम इसको कड़ाही में पहले उझल लेते हैं, उसके बाद हम नीमक से इसको साफ करेंगे। इसको हम ऐसे का नीमक छीट देते हैं, उसके बाद इसको हम पहले हाथ से मिला देंगे, ना नीमक से कट जाएगा, जितना इसमें रहेगा कचरा उचरा माटी उटी सब नीमक काट देगा। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे, पहले हाथ से मिला लेंगे, कट गया है अब पानी हम डालते हैं। नीमक डालने से बिल्कुल ये कचरा है सब माटी खाया हुआ रहता है, घोंघा बहुत ही कटा है। बहुत पानी से हम धो लिए हैं तो एक दो पानी से अभी और धो लेते हैं। ये फैल पानी से धो लेते हैं, बहुत साफ हो जाएगा घोंघा, आप साफ लगता है। घोंघा साफ लगता है। घोंघा हम साफ करके धो लिए हैं, अब घोंघा हमको धोना नहीं है, घोंघा बनाने के लिए हम मसाला तैयारी करेंगे। तो चलिए मसाला तैयारी करते हैं। दोस्तों
घोंघा धो करके हम तैयारी कर लिए हैं। उसके बाद घोंघा बनाने के लिए फोरन ले लिए हैं। फोरन में क्या सब लिए हैं, लाल मिर्च ले लिए हैं, तजपत्ता ले लिए हैं, अदरक ले लिए हैं, जीरा ले लिए हैं, लहसुन ले लिए हैं। अब मसाला डालने के लिए हम लाल मिर्च ले लिए हैं, जीरा ले लिए हैं, गोल मिर्च ले लिए हैं, लहसुन ले लिए हैं, साबुत धनिया है, उसके बाद अदरक है। ये सब मसाला हम पत्थर पर तैयारी करेंगे। घोंघा में डालने के लिए हम ये प्याज ले लिए हैं। ये प्याज हम पतला पतला काट लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज काट लेते हैं। अभी प्याज संग से है। इस तरह सारे प्याज के हम काट लिए हैं। प्याज काट करके हम रेडी कर लिए हैं। तब ये मसाला जो है इसको हम पत्थर पर तैयार करते हैं। दोस्तों पत्थर पर मसाला तैयारी कर लिए हैं घोंघा बनाने के लिए। तो अब हम चूल्हा धरा लेते हैं। तो चूल्हा जोड़ लिए, उसके बाद हम कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें हम सरसों तेल डाल देते हैं घोंघा फ्राई के लिए। तेल गर्म हो गया है, हम घोंघा के पहले फ्राई कर लेंगे बढ़िया से। घोंघा के बढ़िया से हम फ्राई कर लिए हैं सरसों तेल में। उसके बाद हम थाली में निकाल लेते हैं। दोस्तों घोंघा फ्राई कर करके निकाल लिए हैं। यही कढ़ाई में हमको घोंघा के लिए फोरन तैयारी की करना है। पहले जीरा डालेंगे, उसके बाद मिर्चाई और तजपत्ता डाल देते हैं, उसके बाद हम लहसुन डाल देते हैं। ये अदरक है, इसको पहले चला देते हैं। लहसुन पक गया है, हम प्याज डाल देते हैं, इसको चलाते रहेंगे। तो प्याज समल गया है, इसमें मसाला हम डालते हैं जो हमारा मसाला फ्राई होगा। दोस्तों मसाला फ्राई ही कर लिए हैं। इसके बाद हम घोंघा फ्राई डालते हैं। इसको बढ़िया से चला देते हैं। जो घोंघा फ्राई है सभी मसाला मिक्स हो जाएगा। घोंघा फ्राई डाल दिए हैं, उसके बाद हम नमक डाल देते हैं। उसके बाद बढ़िया से चला देते हैं। दोस्तों नमक काट कर डाल दिए हैं। उसके बाद घोंघा पकने के लिए पानी भी डाल देते हैं जो हमारा घोंघा पकेगा। दोस्तों ये गरम मसाला डालते हैं, उसके बाद इसको हम बढ़िया से चला देते हैं जो गरम मसाला पूरे मिल जाएगा। दोस्तों हमारे घोंघा बन करके तैयारी हो गया है। तो इसमें हम धनिया पत्ता डाल देते हैं स्वाद के लिए। तो घोंघा बन करके तैयारी हो गया है। इसको हम चूल्हा पर से उतार करके अब नीचे रखते हैं। दोस्तों घोंघा बना करके हम तैयारी कर लिए हैं। चावल के साथ घोंघा खा करके देखते हैं घोंघा का स्वाद कैसा बना है। सो सबसे पहले हम पत्ता बिछा लेते हैं। दोस्तों तो चावल घोंघा हम परोस लिए, खा करके देखते हैं घोंघा का स्वाद कैसा बना है। सो दोस्तों चावल घोंघा तो बहुत ही जबरदस्त बन गया है। मेरे गांव देहात के यही तरीका है घोंघा बना करके खाने के लिए। तो हमारे वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम घोंघा खाना शुरू करते हैं।